गुड मॉर्निंग एवरीबडी इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मॉडल पार्ट थर्ड। इन प्रीवियस स्टडी वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द EMR। व्हाट इज द EMR? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो हाउ दे डेवलप, ठीक है, वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे वो उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम अपने प्रीवियस स्टडी में आपको बता चुके हैं। और जो मैक्सवेल की जो कैलकुलेशन है उसमें भी आपने देखा कि जो तरंग संख्या है उसको हम यहाँ निकाल सकते हैं। और ये जो वेव नंबर है वो क्या है कि सी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, ये हमारी एक प्रकाश के वेग का कैलकुलेशन है। एन इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और यहाँ पर इसको न्यू आप इसे डिनोट करें तो ये जो हमारा एन है अगर इसको हम इसमें बार लगा देते हैं इट बिकेम द वेव नंबर। अब हमारा ये वेव नंबर बन जाएगा, ठीक है, अगर इसमें न्यू के ऊपर बार लगा दिया जाए, मतलब एक विशिष्ट आवृत्ति के बारे में है यहाँ। तो विकिरण से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो भी आपके चुंबकीय स्पेक्ट्रम ही होंगे, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ भी डेवलप होनी है उससे संबंधित जो भी स्पेक्ट्रम एनालिसिस है वो सभी एनालिसिस जो है वो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा ही होगी। तो स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कल आपको जैसा मैंने बताया था कि एक बीम ऑफ द लाइट है उसको आप प्रिज्म में से अगर करते हैं तो ये डिफरेंट जो है ना वो लाइंस के अंदर डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और ये सभी रेखाएं अपना अपना एक निश्चित लैम्डा लिए हुए होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, तो ये हमारा एक लाइट बीम था, ठीक है, जिसकी कि ये न्यू ये थी, और जब ये लैम्डा वन होगा तो ये न्यू वन हो जाएगा, ये न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर और न्यू फाइव, ठीक है। तो इन सब की जो वेलोसिटी है वो अब अलग अलग तरह से पड़ी जाएगी। तो स्पेक्ट्रम जो है ना वो वास्तव में स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात किसी एक बंच को आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर छोटे सेगमेंट में आप डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है। इस स्पेक्ट्रम को इस तरह से समझा जाए, ठीक है। तो अब सूर्य के जो प्रकाश होता है ये हमारा मान लीजिए सनलाइट था, तो सनलाइट में आपको सात दिखाई देने पड़ेंगे, तो ये दो और बढ़ा लीजिए लैम्डा सिक्स और लैम्डा सेवन, ठीक है, सात अलग अलग कलर हो गए ना सनलाइट के अंदर। अब ये जो सात आपको जो लाइंस बन रही है स्पेक्ट्रम लाइन, ये हमारी सेवन स्पेक्ट्रम लाइंस हो गई, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। ये लीनियर स्पेक्ट्रम कहलाता है कि जो एक जो रेखा, इसको इस तरह से भी आप बता सकते हो, ये हमारी एक जो बीम थी ये वास्तव के अंदर जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन के अंदर डिवाइड हो गए, ठीक है, और ये सब लीनियर हैं। तो इस तरह से ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो ये स्प्लिटिंग हो गई, और किसके द्वारा हुई है, प्रिज्म के द्वारा हुई है। ये एक हमारा स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट है कि प्रिज्म जो है वो हमें स्पेक्ट्रम बताता है, ठीक है, जब उसमें से बीम ऑफ लाइट हम पास आउट करें तो वह बीम ऑफ लाइट जो है ना वो डिफरेंट सेगमेंट में स्प्लिट हो जाती है, और इस प्रोसेस को जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो सोलर स्पेक्ट्रम। अब ये जो सातों रेखाएं हैं ये तीन अलग अलग जोन में मिलेगी, ठीक है, तो जोन सनलाइट के जो है ना, ये सनलाइट के ये तीन अलग अलग जोन बनते हैं, और ये सातों रेखाएं अलग अलग तीन जोन में किस प्रकार से होंगी। तो सबसे पहले देखिए आपका जो होता है वो इंफ्रारेड, इसको हम इंफ्रारेड सनलाइट बोलते हैं, और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज,
ये एच जेड को डिनोट करते हैं 10^3 हर्ट्ज, ये आवृत्ति होती है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, आपने अगर रेडियो सुना हो तो उसमें जो अलग अलग हर्ट्स के अंदर उसकी जो फ्रिक्वेंसी लिखी होती है। तो इंफ्रारेड जो है ना वो 10^3, जो सेकेंड पार्ट हमारा वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, UVR, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज, हिंदी में से कहते हैं पराबैंगनी किरणें। तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनकी जब न्यू मेजर किया गया, ये इसके लिए न्यू हो जाएगा और ये इसके लिए न्यू हो जाएगा, ये 10^10 जो ना वो 16 हर्ट्ज की होती है, ये UVR, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। और जो थर्ड पार्ट होती है वो हम विजिबल लाइट रेंज, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट रेंज, इसको VLR बोला जाता है, VLR, विजिबल लाइट रेंज। और ये जो है वो 10^15 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो ये सोलर स्पेक्ट्रम के तीन पार्ट हो गए, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट, ये तीन पार्ट हो गए। और इन तीनों पार्ट में ये इनकी फ्रिक्वेंसी है, अर्थात ये जो हमारा न्यू का वैल्यू है इसमें, ये न्यू के मान है, ये आवृत्ति के मान है इसमें, तो हर्ट्ज में इसको मेजर किया। अब देखिए इन तीनों का अपना एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इंफ्रारेड का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, ये पराबैंगनी किरणें होती है इसका अलग इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे लिविंग बींग्स हैं उनके लिए है ये VLR। अगर इस सनलाइट में से इस पोर्शन को हटा लिया जाए, मतलब 10^15 हर्ट्ज वाली अगर वेव को हम अगर हटा लें, तो फिर हमें इस ब्रह्मांड में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, केवल डार्क ही नज़र आएगा। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि ये इस सनलाइट का ये वो हिस्सा है, इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रकाश क्षेत्र। तो जो लिविंग बींग है, सजीव हैं, उनकी आंखें जो है वो इसी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट कर सकती है, हम इन फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जब ये लाइट रेंज होगी तो ही वस्तुओं को हम देख पाएंगे, उनके कलर को देख पाएंगे, ठीक है, उसकी आकृति को देख पाएंगे। तो हमारे आँखों का देखना प्रकाश की इस दृश्य प्रकाश क्षेत्र की आवृत्ति पर ही निर्भर करता है, ये इसका अर्थ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। तो ये VLR, तो ये हुआ आपके इस EMR से संबंधित। देखिए हमने EMR में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले पढ़ा, उस रेडिएशन का फिर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, अर्थात उसकी लीनियर स्पेक्ट्रम स्टडी पढ़ी, और जो हमारा सोलर स्पेक्ट्रम है उसको हमने तीन अलग अलग पार्ट के अंदर जो है ना वो डिवाइड करके उसकी स्टडी हमने की है। अब आइए आपके प्लैंक थ्योरी के बारे में, EMR के बाद में अब हमारी प्लैंक थ्योरी। मैक्सवेल और प्लैंक ये दोनों साइंटिस्ट थे, तो मैक्सवेल ने तो अपनी ये EMR सिस्टम बनाया था, और अब जो हमारा सेकेंड टर्म है ये प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, प्लैंक का जो है वो सिद्धांत। ये सिद्धांत भी एटॉमिक मॉडल को समझने में, अब आगे आप एटॉमिक मॉडल, अभी हम एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं, इस समय हम उन एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले जो हमारी बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो उनमें से EMR एक कंसेप्ट था, और अब आ जाता है आपके प्लैंक्स थ्योरी, ये भी एक प्रकार का कंसेप्ट है। ये प्लैंक्स थ्योरी ऑफ EMR के नाम से जानी जाती है, ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ EMR। तो EMR का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्लैंक थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और ये EMR जो होते हैं वो हम अब इसी EMR को क्वांटा के द्वारा पढ़ेंगे, अर्थात अब सीधा आप इसमें आ जाइए क्वांटम थ्योरी, इसका दूसरा नाम जो है ना वो क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक भी कहलाता है, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। या तो आप प्लैंक थ्योरी EMR बोलिए या क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये जो सिद्धांत है उसको समझने के लिए एक नया शब्द का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, क्वांटम अर्थात क्वांटा। अब ये क्वांटा क्या है, सबसे पहले तो आपको ये डिस्क्राइब करना है।
क्वांटा क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द रेडिएशन एनर्जी इज नोन एज द क्वांटा, राइट। और जब हम इसको सोलर एनर्जी के रिलेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर इसी स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ द सोलर एनर्जी को फोटोन के नाम से जाना जाता है। तो क्वांटम, क्वांटा और फोटोन, ये दोनों का मतलब एक ही है, ये लगभग एक जैसे हैं ये, ठीक है। और या इसको भैया क्वांटा। तो अदर जो हमारे रेडिएशन है, ये तो सोलर रेडिएशन के बारे में, और ये अदर रेडिएशन के बारे में। अदर रेडिएशन का मतलब अब एटम में इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वांटा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द एनर्जी कहलाता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वांटम थ्योरी को समझने से पहले एक सिद्धांत आपको और बताना पड़ेगा, और वो समझना जरूरी है कि ये हमारे जितने भी जो हॉट बंचेस हैं, जो गर्म जो पिंड हैं, इनके विकिरण का उत्सर्जन होता है। अर्थात विकिरण का उत्सर्जन कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब वो चाहे रॉक हो, चाहे प्लेनेट हो, ठीक है, सब प्लेनेट हो, अर्थ हो, कोई भी हो, तो ये स्टार हो, ठीक है, हमारे तारे हो, तो जितने भी जो गर्म पिंड है, हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक गर्म पिंड है। और सबसे ज्यादा गर्म पिंड कौन हुआ? सबसे ज्यादा जो गर्म पिंड है वो हमारा सन है, ठीक है, सूर्य है। तो सूर्य सबसे अत्यधिक गर्म जो है वो पिंड कहलाता है। तो ये जो सब्सटेंस है या एक पदार्थ है, ये जो आपके जिसको हम सोलर सिस्टम के नाम से जानेंगे, तो ये सबसे गर्म होता है। यही कारण है कि सूर्य के द्वारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो हॉट पिंड्स हैं, गर्म पिंड जो होते हैं, वो रेडिएशन का एक्सक्रीशन करते हैं। और ये ठोस अवस्था में ही, इनके लिए कोई द्रव अवस्था या गैस अवस्था होना आवश्यक नहीं है, ये ठोस अवस्था में भी ऊर्जा को ग्रहण करके और फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो एनर्जी का एक्सक्रीशन, एनर्जी का एमिशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अर्थात विकिरण के रूप में होता है। और ये जितने भी ऊष्मा जो आपकी हीट कैपेसिटी है, क्योंकि जब आप उस पिंड को गर्म बता रहे हैं, ठीक है ना, ये हॉट जो है ना वो सब्सटेंस ही कहलाएगा, ठीक है ना, हॉट ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट में पहले उसकी जो एच जो होता है अर्थात डेल्टा एच का जो वैल्यू होती है जो थर्मोडायनेमिक्स में, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जब ये डेल्टा एच होगी तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे हीट कैपेसिटी, इसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। तो इनकी जो हीट कैपेसिटी है, ऊष्मा धारिता हिंदी में कहते हैं, ये ऊष्मा धारिता में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? क्योंकि जब हॉट पिंड जब अपने में से एक्सक्रीशन करेगा तो उसकी ऊर्जा के मान में कमी आएगी, और जब ऊर्जा के मान में कमी आएगी तो फिर आपका जो वो परिवर्तन है ऊष्मा धारिता में, क्योंकि वो ऊर्जा कहाँ से आई है? इस हीट कैपेसिटी से आई है। इसको हम आगे जाके आपका थर्मोडायनेमिक्स में CP और CV के नाम से जान देंगे, ठीक है। देखिए हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसको। तो इनकी जो हीट कैपेसिटी है वो निरंतर परिवर्तन होती रहती है, और जब वो निरंतर परिवर्तन होगा तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो रेडिएशन है, वो सभी रेडिएशन जो है वो कौन से बन जाएंगे? EMR, अर्थात जो हमारे हॉट सब्सटेंस हैं वो EMR डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये हॉट का आपके कंसेप्ट हुआ हॉट पिंड के लिए। सेकंड जो है वो अब आप आ जाएंगे ब्लैक बॉडीज, ठीक है। ये एक ब्लैक बॉडी जो सिस्टम है, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहेंगे, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? अर्थात ये जो विकिरण जो हमें ठोस को गर्म पिंड से जब मिलता है, तो अगर इनको विस्तार, इनका अगर स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया जाए
तो इनसे जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होंगे। ब्लैक बॉडी एक प्रकार का हॉट आपके सब्सटेंस हुआ, एक गर्म पदार्थ है, वो प्लेनेट भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, सब प्लेनेट भी हो सकता है। तो इनकी जो जब ये रेडिएशन को एक्सक्रीट करते हैं तो उनकी जो रेडिएशन है वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की नहीं होती है। दूसरे वर्ड में हम ये कहें कि ये डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, भिन्न भिन्न आवृत्ति की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी वो सिस्टम है जिनका ईएमआर जो होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये भी इनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ही करते हैं। तो पहले तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में उसका एमिशन किया। ठीक है, आप सुनते हो ना कि जो काले रंग की वस्तु होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, कारण क्या हुआ कि काले रंग के, इसलिए हमें कहते हैं कि काले रंग के कपड़े हमको नहीं पहनने चाहिए। तो काले रंग के कपड़े क्या होते हैं कि वो एक प्रकार से ब्लैक बॉडी बन जाती है। ठीक है, यहाँ ब्लैक बॉडी सिस्टम का मतलब हुआ कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और जो सोलर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी ऊष्मा धारिता का मान बढ़ेगा, और फिर जब वो ऊष्मा धारिता एक निश्चित ताप तक होगा तो उसके बाद में उसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये रेडिएशन हम लोगों के लिए घातक होते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं, इसलिए कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हमें काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो ठोस गर्म पिंड जो है वो विस्तृत अलग अलग जो आपके रेंज है उसमें ये फ्रिक्वेंसी में वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उसको ये एक्सक्रीट करते हैं। अब ये जो इनकी विकिरणों की जो तीव्रता है, इनके इंटेंसिटी, अर्थात ये रेडिएशन हुए तो पहले तो आप बताएंगे कि ये रेडिएशन को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है ना, एक्सक्रीट अर्थात इसको हम एमिशन भी बोलते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों यहाँ पे एमिट भी बोलेंगे। ये एमिट करते हैं, और ये एमिट किस में करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ में। ये डिफरेंट वेवलेंथ जो हमारा इनका सभी का लैम्डा का मान जो होता है ना वो अलग अलग होता है, डिफरेंट वेवलेंथ में होता है। ठीक है, तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये विकिरण की तीव्रता लैम्डा के कम मान होने पर बढ़ती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर लैम्डा का मान जो है वो मतलब न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन आपके लैम्डा, न्यू का जो हमारा रिलेशन है ना वो हो जाता है वन अपॉन लैम्डा से, तो ये इन्वर्स हो गए। इसका मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, और इसका मान अगर कम होगा तो हमारी जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच में एक इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, इंटेंसिटी एंड दी वेवलेंथ, इसको इस तरह से पढ़ा जाए। ठीक है, तो ईएमआर जो है सूक्ष्म भाग जो न्यूनतम ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण करता है उसको क्वांटा कहते हैं। ये पहले मैं आपको परिभाषा बता चुका हूँ कि व्हाट इज द क्वांटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी विच हैव एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ, आइदर इट में एक्सक्रीट आइदर इट में एमिट द डिफरेंट वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब उसकी जो एनर्जी E होगी ना, ये इसकी किसके फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये इसके समानुपाती होगी। तो यहाँ प्लैंक ने कांस्टेंट दे दिया है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये H इज द प्लैंक कांस्टेंट, ये हमारा एक ऊर्जा का एक स्थिरांक है। तो अगर हमें उसकी अगर ये फ्रिक्वेंसी मालूम है तो प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बॉडी की आपको उस स्पेक्ट्रम लाइन की एनर्जी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम लाइन की एनर्जी का कैलकुलेशन इसे प्लैंक इक्वेशन, इसको हम प्लैंक इक्वेशन भी बोलते हैं, तो इससे हम कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, जब आप उसको प्रिज्म में रख करके और न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, या आप इसकी वैल्यू इसको निकालेंगे। दैट्स ऑल।